नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि एक किसान भाई का कमेंट था कि आप सभी को पता ही है कि हम जो है हमारे फार्म पर टिवाना फीड का जो है यूज करते हैं, तो किसान भाई का कमेंट था कि आप फीड किस प्रकार से खिलाते हैं। और कई किसान भाइयों के कमेंट आते ही है कि टिवाना फीड को आप कैसे देते हैं, कितना देते हैं, भिगो कर देते हैं या सूखा देते हैं, तो आप एक वीडियो इस पर बनाइए। तो आज मैंने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पशुओं को हम टिवाना फीड खिला रहे हैं। बच्चों को जो है हम हिफर फीड और छोटे जो बछिया है उनको काफी स्टार्टर, और जो बड़ी जो हमारे पशु हैं उन्हें हम जो अभी दे रहे हैं टिवाना ट्रांजेक्शन 8,000 दे रहे हैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आपको बताएंगे हम कि जो हमारी हाई मिल्किंग काओ है, अभी इस वक्त सारी गाय जो है दूध पर चल रही है। कुछ एक दो गाय हैं जो अभी ड्राई में जा रही हैं और एक गाय है जो ड्राई में है, और बाकी जो हाई मिल्किंग काओ है उनको अभी हम जो फीड खिला रहे हैं तो कितना देते हैं आज हम आपको वही बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फीड हम पूरी इकट्ठा मंगाते हैं, तो अभी फीड खत्म हो रही है। मतलब अब गाड़ी आने वाली है, 1 से 2 दिन में गाड़ी आ जाएगी। जब तक हम एक एक दो दो जो बोरी लाकर खिला लेंगे। तो सबसे पहले तो जो गाय 20 लीटर पर डे का दूध देती है उसको मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी ये जो बाल्टी है 2.5 किलो की बाल्टी है, और जो मेरी 20 लीटर की गाय है उसको मैं ये 2 बाल्टी फीड देती हूँ, और इसके साथ में 1/2 किलो खली दी जाती है। तो अभी खली खत्म हो गई, तो इस वजह से मैं इसमें इसको पाव भर ऊपर से और दे दूंगी। इस प्रकार से ये मेरी 20 लीटर पर डे की जो गाय है उसके लिए फीड हो गई तैयार। और इसके साथ में मिनरल मिक्सचर ऐड किया जाता है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कौन सी है 20 लीटर पर डे की। चलो घड़ी। जैसे कि अभी ये गाय है गैलेक्सी की बच्ची, आपको पता ही होगा इसको जने हुए समय हो गया। तो अभी इसका जो दूध है वो 20 लीटर पर डे का है। वैसे ये जो टिवाना फीड है ये आपको 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम खिलानी है, और इसके साथ में 100 ग्राम आप बॉडी वेट के लिए दे सकते हैं। हम जो है इतना खिलाने के बावजूद हम 1/2 किलो खली भी खिलाते हैं एक टाइम की, मतलब एक गाय को, जिससे कि फैट में भी जो कई भाई कमेंट करते हैं कि फैट कम आता है, तो फैट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से जैसे आपका पशु जब ज्यादा दूध देता है तो फैट कम हो ही जाता है, तो फैट बढ़ाने के लिए हम जो है कपास की खली का यूज करते हैं। तो 1/2 किलो हम दोनों समय गायों को जो है खली भी डालते हैं गीली करके। इसके बाद जितनी भी पशु हैं ये सारी हाई मिल्किंग काओ है, अभी इनको ये सब मेरी 20 से प्लस गाय है, और अभी आपने 40116 की जो मेरी बछिया है इसका मिल्क रिकॉर्ड देखा ही होगा। इसको अभी फीड जो है मैं कम खिला रही हूँ ट्रांजेक्शन फीड, क्योंकि तो अभी जने हुए इसको 20 से 21 दिन हुए हैं, और इसे अभी हम जो है साथ में बाजरा खिला रहे हैं, तो इस वजह से जो है अभी मैंने ट्रांजेक्शन फीड की जो है मात्रा कम रखी है। जैसे ही इसका बाजरा बंद होगा फिर हम ट्रांजेक्शन फीड बढ़ा देंगे। तो जैसा कि अभी मैं इसकी हैंड मिल्किंग करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना दूध देती है। दूध तो इसका जो है टाइम का 10 से प्लस ही जाता है। जैसा कि मेरी बछड़ी के जो 3 थन चालू है, एक थन इसका बैठा हुआ है, और 3 थन में से ये जो है अभी 10 लीटर टाइम का दूध दे रही है। अभी शाम की मिल्किंग है ये।
ये बछड़ी है और इसकी बछड़ी हम तैयार कर रहे हैं जो काफी स्टेटस खा के रेडी हो रही है। अभी बछड़ी जो है 3 महीने की हो गई है ये वाली, और ये भी जो है 20+ की गाय है। और जैसा कि ये जो है बाजरा आप देखिए, एक किसान भाई का कमेंट था कि कृपया आप बाजरे के बारे में भी बताएं, तो इसमें बाजरा, सरसों का तेल और गुड़, ये है मेरी 40-116 की बच्चिया के लिए। और इसके साथ में है जो ट्रांजेक्शन फीड है नीचे, तो ये अभी दोनों समय उसको चल रहा है। सोलह लीटर की केन है ये, यहाँ भरते हैं पूरी 16 लीटर है, तो आप देख लीजिए कितना दूध होगा अभी। ये है बछड़ी का दूध शाम के समय का, कुछ बछड़े को पिला दिया है और इतना दूध दिया है। और अभी फीड में थोड़ी सी दिक्कत करती है, कभी कभी खा लेती है, कभी नाटक करती है, तो इस वजह से कभी ज्यादा देती है, कभी कम देती है। अब मशीन से मिल्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब एक गाय बची है जिसका हाथ से दूध निकलता है, इसको मशीन से दूध देने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका हाथ से दूध निकालना पड़ता है। फ्री जो है 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, और इसके साथ में जो उसके बगल में जो बछड़ी बंदी है वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो ड्राई में जा चुकी है। तो 3.5 जो महीने की प्रेग्नेंट है उस बछड़ी को जो है हम 3 किलो शाम और 3 किलो सुबह इतना फीड खिला रहे हैं, साथ में जो मिनरल मिक्सर। और 7 महीने की प्रेग्नेंट बछड़ी को जो है आप देख लीजिए 1.25 किलो जो है सुबह और 1.25 किलो शाम, इस प्रकार से इसका फीड चल रहा है। थोड़ा सा आगे लाना, अभी ये जो बछड़ी है इसका पर डे का दूध जो है 9 से 10 लीटर है, मतलब कि एक समय 4.5-4 इस प्रकार से दूध देती है, और पर डे का 10 लीटर के आसपास इसका दूध पहुंच जाता है, और 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है साथ में। अब बछड़ियों को डालेंगे हम फीड, तो जैसे कि आप देखिए ये हिफर फीड है टिवाना की, और अभी जब गायों के लिए जब हम फीड मंगाते हैं तभी बछड़ियों की भी फीड मंगा लेते हैं साथ में, तो अभी बछड़ियों को देंगे। जैसा कि 2.5 किलो की बाल्टी है तो एक बाल्टी में से 2 बछड़ियों को जो है मैं फीड डालती हूँ, और साथ में मिनरल मिक्सर जो है जरूर से दिया जाता है।
इस प्रकार से चलो चलो। अब ये मेरी बछड़ी जो जिसे मैं तैयार कर रही हूँ, 3 महीने की हो गई है। 3 महीने तक तो हमने उसको बस फीड ही खिलाई है, सुकला वगैरह कुछ भी नहीं दिया, पर अब हमने 3 महीने बाद जो है उसे स्टार्ट कर दिया है। तो इसको ये जो है 1 किलो के आसपास सुकला दिया जाएगा और उससे 1 किलो जो है फीड डाली जाएगी, और मिनरल मिक्सचर साथ में ऐड है तो इसे दिया जाता है। अब ये फीड जो मेरी प्रेग्नेंट बछड़ी है उसके लिए है, ये 2 किलो है, 2 किलो फीड में उसको एक टाइम की खिलाने लग गई हूँ। तो पाइपर की बछिया है, ये फीड खा रही है, इसको इस प्रकार से टप में दिया जाता है ताकि वो नुकसान ना करे, क्योंकि तो मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला हुआ होता है तो पशु को थोड़ा सा नाटक आते हैं खाने में। और इसी के साथ जो आज की वीडियो है हम यही स्टॉप करेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई का टिवाना फीड पर जो है कमेंट भी आते हैं कि फीड से दूध पतला हो जाता है, गाय रिपीट हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। गाय रिपीट होगी जरूर और कंसीव भी करती है। रिपीट क्यों होती है? जब हम जो है मिनरल मिक्सचर वगैरह यूज नहीं करते या अपने पशु की अपन हीट नहीं पकड़ पाते, इस वजह से। और फीड का हम यूज कर रहे हैं और हमें तो बेनिफिट है फीड से, क्योंकि हमारे पशु जो है खाकर अच्छा दूध दे रहे हैं और पशुओं का बॉडी वेट भी आप लोग देख लीजिए कि मेंटेन है। एक डेयरी फार्मर को क्या चाहिए? यही चाहिए कि आप जो भी फीड खिलाएं उसका रिजल्ट आपके पशु पर दिखे, उसका रिजल्ट उसके दूध में दिखे, उसके बॉडी पर दिखे। तो ये सारी चीज जो है हमें दिख रही है। तो हम यदि आप लोगों को फीड के बारे में बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने हमें प्रमोशन के कोई पैसे वगैरह दिए हैं। हर एक डेयरी फार्मर चाहता है कि जब वो डेयरी फार्मिंग करे तो उसके पशु को अच्छा फीड मिले, और अच्छा फीड मिलेगा तभी वो डेयरी फार्मर आगे बढ़ेगा। तो जो फीड के चक्कर में हम भी कई बार परेशान हो चुके हैं, और बहुत परेशानियों के बाद एक अच्छी फीड मिली है, तो हमने सोचा कि इसी चीज को हम सारे डेयरी फार्मर से शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो इस वजह से आप लोगों के साथ ये सारी चीजें हमने शेयर की है। फीड में कोई दिक्कत नहीं है, फीड बहुत अच्छी है, केवल दूध पतला होने की जब समस्या आती है तो वो समस्या इसलिए आती है कि जब आपका पशु जो है ज्यादा दूध देता है तो उस समय में जो है दूध पतला हो ही जाता है। तो इसके लिए आप जो है आप पशु को साथ में खली दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, जिससे कि आपके पशु का मिल्क का फैट अच्छा बैठ जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे कई बार किसान भाई बोलते हैं कि अभी गर्मी आ गई तो तिवाना फीड खिलाए कि नहीं, बारिश आ गई फीड खिलाए कि नहीं, तो कंपनी ने इसका खुद ही ध्यान रखा है। हर सीजन में फीड में चेंजिंग होता है, मौसम के हिसाब से वो फीड में जो है चेंज करते हैं। गर्मी के हिसाब से अलग चेंज होते हैं, बारिश में अलग होता है और ठंड में अलग होता है। तो इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ये सारी चीज का ध्यान कंपनी खुद रखती है। तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना।